जिस व्यक्ति के कॉल का आप इंतजार करते हो, है ना, जिनके कॉल का आप रात रात इंतजार करते हो, जिनको बार बार फोन करते रहते हो और बार बार कॉल बिजी जाता है, जिनको व्हाट्सएप पे आप लंबे लंबे मैसेज भेजते हो और डबल टिक होने का इंतजार करते हो, और जैसे ही उनका टाइपिंग लिख के आ जाता है आप इतने खुश हो जाते हो, उनके जीवन में शायद आपकी उतनी महत्व नहीं है जितना आपके जीवन में उनका महत्व हो गया है। जिस दिन आप ये बात समझ गए ना बेटा, आपकी जीवन बदल जाएगा उस दिन। और बाहर दरवाजे पे जो आपकी माँ खड़ी है ना, जो आपसे दिन भर में सिर्फ 5 मिनट आपसे बात करना चाहती है, उसके जीवन में आपके सिवा कोई नहीं है, सबसे ज्यादा महत्व आपका है। ये दुनिया बहुत कठोर है, बहुत मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, और जहां सच्चा प्यार करने वाला इंसान मिले उसको अपनी जिंदगी से मत जाने दो, उसको निराश मत करो, उससे मुंह मत मोड़ो भाई। सच्चा प्यार कौन करता है आपको, बिना किसी कंडीशन का प्यार कौन करता है, आपकी माँ करती है। जब कोई नहीं होगा ना आपके लिए ताली बजाने को, जब आप अकेले नाच रहे होगे, भीड़ में कोई नहीं बैठा होगा, पूरा स्टेडियम खाली होगा, कोई नहीं देख रहा होगा, आपकी माँ होगी जो आपके लिए ताली बजा रही होगी। जब मेरे वीडियो पे 50 व्यू आते थे ना, तो उसमें 1 व्यू मेरी माँ का होता था। आज मेरे वीडियो पे अगर 50,000 या 1 लाख व्यू भी आते हैं तो भी उसमें 1 व्यू मेरी माँ का आज भी होता है। उस माँ के लिए सोचो यार, कुछ करके दिखाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि आपकी माँ को गर्व हो, पूरा समाज आपकी माँ को आपके नाम से जाने ना। बहुत कड़वी बात अगर आपसे बोलूं, आज जीवन में आपकी खुद की कोई औकात नहीं। जिस मोबाइल पे बैठ के आप ये चैटिंग में चीज़ें लिख रहे हो ना, जिस मोबाइल से आप इस टाइम चैट में लिख रहे हो कि सर मैं कैसे प्रिया को भूल जाऊं, वो मोबाइल भी आपको आपके माँ बाप ने दिलाया है, उसमें वो 250 रुपये का डेटा रिचार्ज भी आपके माँ बाप ने कराया है। इस समय जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो भी खरीद के उन्होंने दी है। इस समय हाथ में जो आप रोटी खा के ये चैट लिख रहे हो, वो रोटी आपकी माँ ने आपको किचन के अंदर पसीने में सन के बना के दी है भाई। बहुत मुश्किल से आपको ऐसे सच्चा प्यार करने वाले पेरेंट्स या घर वाले मिलते हैं, उनको यार आप दुखी मत करो। और मैं बता रहा हूँ सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, ये भी सच है। बहुत से बच्चों ने पिछले वीडियो के बाद मुझको ये मैसेज किया कि सर आप जैसे बता रहे थे मेरे पिताजी वैसे नहीं हैं, आप बता रहे थे कि आपका पिता बहुत मेहनत करता है और आपके लिए सब करता है, सर मेरे पिताजी तो दिन भर घर में सोते रहते हैं। हो सकता है, मैं मानता हूँ सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं, तो आप मिसाल बनो ना यार दुनिया के लिए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो हो सकता है कि 90% पेरेंट्स बहुत अच्छे हों, 10% हो सकता हो सही रास्ते पे नहीं हो, तो आप तो मिसाल बनो ना दुनिया के लिए। आप भी वैसे ही इंसान क्यों बन रहे हो? यदि आपके पिता ने आपके लिए अच्छा किया है तो जाहिर सी बात है आपको उन एहसान भी नहीं बोल सकते, उनके कर्तव्यों को वापस लौटाना है, उनका नाम रोशन करना है, बुढ़ापे में उनकी लाठी बनना है। और यदि उन्होंने आपके लिए अच्छा नहीं किया है ना आपके पिताजी ने, तो भी यार तुम्हारा बाप है वो, इतना ही काफ़ी है भाई। क्या जज कर रहे हो अपने पिताजी को? हो सकता हो 4 पैसे उन्होंने कम कमाए हो, पर आपको यार कंधे पे बैठा के उन्होंने रात रात ले जाके मेला तो घुमाया है ना। हो सकता हो आपके पिताजी आपको मारते पीटते हो, टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं, और ये तो जमाना धीमे धीमे बदलेगा तो बदलेंगे, उन्होंने भी यही सीखा अपने माँ बाप से कि पीटना ठीक है। तो हो सकता हो आपके बाप ने आपको हाथ से मारा हो, हो सकता हो बोतल से मारा हो, चप्पल से भी मारा हो, बेल्ट से भी मारा हो, शायद वो ऐसे ही माहौल में बढ़े थे, उनको यही समझ में आया था, पर कहीं ना कहीं दिल में वो आपके लिए फिर भी अच्छा ही चाहते हैं इन सब के बाद भी। और मैं तो कहता हूँ यार, अगर आपको लग भी रहा है ना कि आपके पिताजी बुरे हैं, तो बस ये याद रखो कि बाप है यार अपना, इतना ही काफ़ी है, जन्म दिया है मेरे को, इतना ही काफ़ी है। कहीं ना कहीं अपने हाथ से कभी 2 रोटी तो खिलाई होगी, इतना ही काफ़ी है। किसी दिन घर में आपके लिए 300 रुपये कमा के लाए होंगे, इतना ही काफ़ी है। बचपन में आपको एक खिलौने वाली कार खरीद के दी थी, इतना ही काफ़ी है। कौन करता है दुनिया में आपके लिए कुछ? जिसके पीछे दिन रात तुम दौड़ते रहते हो, स्कूल में जिस लड़की के पीछे आप भाग रहे थे, उसने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं किया, हमेशा आपको इग्नोर किया। जिसको आप दिन रात व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रहे हो, उसने क्या किया आपके लिए? उसने कुछ नहीं किया यार। तो यार जैसे भी हैं अपने बाप हैं यार, उनको आप ठुकरा नहीं सकते हो।